गाइस मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं रेसल। अभी तो क्या भाई सेथ रॉलिंस का फिर से मंडे नाइट मसीहा वाला जो कैरेक्टर हम लोग 2021-20 में देखते थे, क्या वो रिटर्न आने वाला है एंड क्या उनके साथ AOP भी रीयूनाइट होने वाला है। तो इसके बारे में एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट आई है PW Insider की तरफ से। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सारे लोग जो भी चैनल पर नए हो तो भाई अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बात करते हैं हम लोग सेथ रॉलिंस के बारे में। तो भाई अगर आप 2020-21 के टाइम से WWE देख रहे हो तो आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन लगने से पहले सेथ रॉलिंस का एक न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था जो कि एक हील कैरेक्टर था। लेकिन अगर आपको याद हो तो वो कैरेक्टर था एक मंडे नाइट मसीहा का, जहां पर उनके साथ ऑस्टिन थ्योरी भी थे एंड उनके साथ बड़ी मर्फी भी थे। अब बड़ी मर्फी तो WWE में नहीं रहे एंड उनके साथ AOP भी ज्वाइन हुए थे। तो अब भाई फिर से रिपोर्ट आई है कि AOP अपना WWE में रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन उनके रिलेटेड रिपोर्ट ये भी आ रही है कि वो अपना रिटर्न NXT में भी कर सकते हैं एंड एक रिपोर्ट अब ये भी आ रही है कि उनका फिर से ही यूनियन हो सकता है सेथ रॉलिंस के साथ। एंड प्रोबेबली हमको ये चीज़ आप कंफर्म मान सकते हो कि हमको फ्यूचर में मंडे नाइट मसीहा वाला कैरेक्टर एक बार सेथ रॉलिंस का फिर से देखने को मिलेगा, क्योंकि उस वक्त वो कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा था एंड फैंस भी उस कैरेक्टर को देखना चाहते। लेकिन उस वक्त कोविड की सिचुएशन की वजह से लॉकडाउन लग गया था एंड WWE परफॉर्मेंस सेंटर में शिफ्ट हो गई थी, तो वहाँ पर से ये स्टोरी लाइन को ज़्यादा क्लियर कंटिन्यू नहीं किया जा रहा था, इसलिए WWE ने इस स्टोरी लाइन को ख़त्म कर दिया था। लेकिन अब WWE के पास पूरी छूट है, सारी चीज़ें पहले से नॉर्मल हो चुकी है एंड AOP भी अब बिल्कुल क्लियर है एंड WWE ने उनको 2022 से अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट में रख रखा है। एंड सेथ रॉलिंस भी अगर इस चीज़ को ओके करते हैं, मे भी जहाँ तक से मुझे लगता है सेथ रॉलिंस अब जब अपना टाइटल लूज कर देंगे उसके बाद उनका वो कैरेक्टर आएगा। जब तक उनके पास टाइटल है तब तक मेरे को बहुत कम चांस लगता है कि सेथ रॉलिंस का मंडे नाइट मसीहा वाला कैरेक्टर आएगा। बाकी आप लोग के क्या थॉट है इस चीज़ को लेकर के आप लोग मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो बस भाई आज की वीडियो यहीं तक ही थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।